Hello Vita, how are you? Today we will continue our chapter number 11, our government. In previous class, we already have discussed about the union government and the state government. Today we will discuss more about union government. We will call central government also to the union government. Yani union government ko hum central government bhi bolte hain. जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी केंद्र सरकार बोलते हैं, ठीक है, जो केंद्र में होती है। अब इसके जो काम मैंने वैसे पिछली बार भी बता दिए थे, प्रीवियस क्लास में बताए थे, लेकिन इसमें थोड़े और ज़्यादा बताती हूँ। इसका काम क्या होता है, दे आर टू मेक लॉज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, लॉज बनाती हैं। क्या बनाती हैं, लॉज बनाती हैं, यानी कानून बनाती हैं टू इम्प्लीमेंट लॉज। अब कानून बना दिया इन्होंने तो उस कानून को ठीक तरीके से पालन करवाना, उस कानून का ठीक ढंग से पालन करवाना भी इसी गवर्नमेंट का काम होता है। टू प्रोवाइड जस्टिस, और लोगों को न्याय प्रोवाइड करवाना भी इसी गवर्नमेंट का काम होता है। ओके, अब आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा पार्लियामेंट, टीवी पे भी सुनते होंगे। पार्लियामेंट मीन्स पार्लियामेंट को हम संसद भी बोलते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं, संसद। मेक्स लॉज फॉर होल कंट्री, जो संसद होता है उसमें जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो उसमें बनाए जाते हैं पूरे देश के लिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिल्स लाए जाते हैं, जैसे अभी क्या होता है, नया सत्र स्टार्ट, नया सेशन स्टार्ट होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के लोग जाते हैं, बैठते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिल्स की पेशकश करते हैं कि ये बिल लागू होना चाहिए। दूसरा बोलेगा, उसको अगर उसमें कुछ कमी लगेगी तो वो आर्ग्यूमेंट करेगा, नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सारा सब कुछ सबका डिस्कशन होने के बाद, सबकी सहमति के बाद ही, सारे पार्टीज की सहमति के बाद में कोई बिल जो होता है वो पास किया जाता है, ठीक है। तो जो भी जो कानून होते हैं या कोई बिल पास होते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, ठीक है। अब जो पार्लियामेंट है उसकी थ्री रिंग्स, एक तरीके से तीन, इसको हम क्या कह सकते हैं, तीन सेक्शंस होते हैं इसके अलग अलग टाइप से, ठीक है। सबसे पहला होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी देश का राष्ट्रपति, भारत देश का राष्ट्रपति। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर रामनाथ कोविंद, ओके। फिर हम करते हैं कि लोकसभा क्या होती है। अभी तीन विंग तो बता दिए मैंने, क्या बताए, थ्री विंग्स बता दिए, किसके, पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। कोई भी जो पॉलिटिकल पावर है, जो सत्ता में है, उसका जो पहला सोर्स होता है वो लोकसभा होती है, ठीक है। कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर होता है वो वोट देकर अपने मेंबर को चुन सकता है, ठीक है। वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो अपने वोट के थ्रू इसका मेंबर चुन सकता है, इलेक्ट कर सकता है। अब लोकसभा में कंटेस्टेंट ऑफ इलेक्शन, जैसे प्रतिभागी, कि लोकसभा में इलेक्शन के जो प्रतिभागी होते हैं, या कोई भी जो भी इलेक्शन होता है उसमें कोई भी इंसान की कितनी एज होनी चाहिए, कम से कम 25 साल होना चाहिए, जिससे ऊपर कितनी हो सकती है, ठीक है। फिर इसका टाइम पीरियड कितना होता है, कितना होता है, 5 साल, यानी 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है। लोकसभा का जो मेंबर होता है वो 5 साल के लिए होता है, राइट। फिर उसके बाद आता है राज्यसभा। अच्छा, जो लोकसभा होता है उसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम उसको लोअर हाउस बोलते हैं। तो ऐसे ही जो राज्यसभा होता है उसको हम अपर हाउस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अपर हाउस। और अपर हाउस के साथ साथ इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, परमानेंट यानी स्थाई घर भी बोला जाता है इसको, ठीक है, परमानेंट मीन स्थाई रूप से। इलेक्टेड, अब जो इसके जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज होते हैं उनके थ्रू इनके मेंबर्स इलेक्टेड किए जाते, चुने जाते हैं, यानी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं
वो जो मेंबर जिनको चुनती है वो ही इंसान, वो ही जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा में जा सकते हैं। और कुछ मेंबर्स को जो प्रेसिडेंट है, इंडिया का प्रेसिडेंट है, वो भी नॉमिनेट करता है, यानी वो भी इलेक्ट करता है राज्यसभा के लिए। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 6 ईयर्स। कितना होता है? 6 ईयर्स। ठीक है बेटा, अभी मैंने बताया आपको, एक बार फिर से बता देती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मैंने बताया क्या होता है, कानून बनाना, उनको लगवाना, प्रॉपर तरीके से वो कानून फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ गए थे पार्लियामेंट में कि संसद क्या करती है, लॉज बनाती है पूरे देश के लिए। उसकी 3 विंग्स होती हैं, कौन कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक में मैं आपको लोकसभा और राज्यसभा बताऊंगी। कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर है वो लोकसभा का मेंबर चुन सकता है। ठीक है, अपना वोट देके मेंबर को चुन सकता है। इसको हम प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर्स भी बोलते हैं लोकसभा को। ठीक है, कोई भी इंसान जो 25 साल से ऊपर है वो वोट में खड़ा हो सकता है। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल होता है। और राज्यसभा, अब बारी आती है राज्यसभा की, राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। किसके द्वारा चुने जाते हैं ये मेंबर्स? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। और कुछ मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी चुनते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, यानी नाम देते हैं कि ये इंसान इस सभा का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, उसका भी टाइम पीरियड होता है, कितना होता है? 6 ईयर्स। ओके बेटा, ओके।